हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा की ज़िंदगी। तो कैसे हो आप सब? आज भी लेके आए फिर से नई वीडियो। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। दादी माँ के घरेलू नुस्खे 28 बेस्ट किचन टिप्स। नंबर वन, गर्दन के कालेपन को साफ करने के लिए बेसन और दही में कई सारे गुण होते हैं, साथ ही इसमें प्रोटीन होते हैं जो शहद के साथ साथ त्वचा के लिए भी फायदेमंद है। बेसन से जहाँ चेहरे पर ग्लो आता है, तो साथ ही इसकी मदद से काली गर्दन को साफ किया जा सकता है। नंबर टू, आयुर्वेदिक के अनुसार वारिस में वात दोष उत्तेजित हो जाता है, साथ ही पित्त दोष भी बढ़ रहा होता है, इसलिए हरी पत्तेदार सब्जियों को बहुत पौष्टिक और सेहत के लिए लाभकारी माना जाता है। लेकिन बरसात के मौसम में पत्तेदार सब्जियों को सेवन करने से बचना चाहिए। इस मौसम का तापमान और आर्द्र हरी पत्तेदार सब्जियों पर बैक्टीरिया और फंगस के विकास के लिए अनुकूल होती है। इस वजह से हरी पत्तियों हरी सब्जियों से पेट में संक्रमण का खतरा रहता है, इसलिए पालक मेथी के पत्ते, पत्ता गोभी, फूल गोभी जैसी सब्जियों को बारिश में बिल्कुल ना खाएं। इसके बजाय करेला, घिया, तोरई, टिंडा जैसी सब्जियों को खाने में शामिल करें। नंबर थ्री, गर्मियों में ग्रामीण इलाकों में पाए जाने वाली कच्ची देसी खजूर, जो औषधि गुणों से भरपूर होती है, लेकिन यह फल पकने के बाद खाने में काफ़ी स्वादिष्ट मिलता फल है। विभिन्न पोषक तत्व और पोषक गुण होते हैं, जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर और विटामिन। इनमें विटामिन बी, कैल्शियम और आयरन से भरपूर मात्रा में होता है, जो शरीर के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। यह पका हुआ फल शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है। खजूर का सेवन आप जरूर करें। नंबर फोर, इसके लिए आप आलू का कद्दूकस कर ले। इसके बाद 2 चम्मच आलू का रस निकाल ले। अब इसमें चावल का आटा मिला कर फिर इस पेस्ट को अपने चेहरे पर अप्लाई करें। 10 से 15 मिनट बाद चेहरे को पानी से अच्छी तरह धो लें। आप सप्ताह में एक बार इस फेस पैक को अपने चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई ड्राई या सेंसिटिव स्किन है, तो आप इस फेस पैक को चेहरे पर लगाने से पहले पेच टेस्ट जरूर करें। आलू का रस त्वचा की रंगत में सुधार करता है, जबकि चावल का आटा त्वचा की गंदक को, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में मदद करता है। नंबर फाइव, बच्चों को क्यों पहनाते हैं चांदी के कड़े? मान्यता के अनुसार चांदी के कड़े पहनने से बच्चे को कई रोग से बचाव मिलता है और स्वास्थ्य को भी कई तरीके के लाभ मिलते हैं, इसलिए छोटे बच्चों को चांदी के कड़े आप जरूर पहनाएं। नंबर सिक्स, केमिकल ब्लीच की जगह इस्तेमाल करें घर में बनी नेचुरल ब्लीच। केले के छिलके और आलू का स्ट्रात त्वचा को मृत कोशिकाओं यानी डेड स्किन सेल्स को हटाने में सहायक होता है, जिससे त्वचा साफ और निखरी नज़र आती है, जो आपको घर पर ही ब्लीच करनी चाहिए। बाहर की ब्लीच बिल्कुल कम करें या ना के बराबर करें। नंबर सेवन, अगर आप लंबे समय तक हेल्दी और यंग रहना चाहते हैं, तो रोज़ाना एक भीगी हुई अंजीर खाना शुरू कर दें। नंबर एट, कई लोग रोज़ाना चाय के साथ बिस्किट खाना पसंद करते हैं। रोज़ाना चाय के साथ बिस्किट खाना बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि बिस्किट को बनाने में मैदा, चीनी, तेल आदि का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आपको सीने में जलन, कब्ज, एसिडिटी, पाचन संबंधी परेशानी, शरीर में गर्मी होना, इससे आपका वजन भी बढ़ सकता है। ब्लड शुगर इसका सेवन करने से होता है और अनेकों बीमारियाँ ऐसे ही जो आपको ही हो सकती है, इसलिए आप चाय के साथ बिस्किट खाना बिल्कुल बंद कर दें। नंबर नाइन, जॉइंट पेन को दूर करने के लिए क्या आप जानते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मसूर आंवले का फल आपके जोड़ों के दर्द को भी कम कर सकता है? दरअसल आंवले में विटामिन सी मौजूद होता है, जो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और जॉइंट के टिश्यूज को आपस में जोड़ने में मदद करता है। साथ ही ये इन्फ्लेमेशन भी काम करता है, इससे घुटने में सूजन और दर्द जैसी परेशानियों से आराम मिलता है। नंबर टेन, अगर आपको भूख नहीं लगती है, तो आप आम का अचार खाएं। इससे आपको भूख लगने लग जाएगी, लेकिन ध्यान रखें आम का अचार भी बिल्कुल कम खाना चाहिए। नंबर 11, दिन में 2 से 3 बार गुनगुना पानी पीना चाहिए, इससे आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। नंबर 12,
फल खाने का सही समय दोपहर, सुबह और दोपहर का होता है। रात के वक्त फल नहीं खाना चाहिए। इसके साथ ही खाने के तुरंत बाद फल नहीं खाने चाहिए। नंबर 13, पानी हमेशा धीरे धीरे पीना चाहिए, एक साथ पानी ना पिए। नंबर 14, खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा खा ले, खाना जल्दी से हजम हो जाएगा। नंबर 15, अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो खाने में नींबू, खीरा और बंद गोभी ज़रूर खाएं। नंबर 16, जिन बच्चों के शारीरिक लंबाई कम होती है या शरीर कमज़ोर होता है उनको रोज़ाना पपीता खिलाना चाहिए। नंबर 17, अगर मीठा ज़्यादा खाते हैं तो बीच बीच में थोड़ी बहुत कड़वी चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए। नंबर 18, रोज़ाना एक रसगुल्ला खाने से आँखों में होने वाली जलन और पीला पीलापन दूर होता है। नंबर 19, आलू बुखारा हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करता है। नंबर 20, आँखों को हेल्दी रखने के लिए आप गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियों का अधिक से सेवन करें। नंबर 21, गर्मियों में धूप में निकलने के कारण चेहरे का रंग काला पड़ जाता है, इसलिए चेहरे पर दही में बेसन और हल्दी मिलाकर लगाना चाहिए। नंबर 22, अगर आपके लीवर में कोई दिक्कत है तो आपको खाली पेट तरबूज नहीं खाना चाहिए और आम भी आपको नहीं खाना चाहिए। नंबर 23, जो लोग गर्मी में कद्दू का सेवन करते हैं उनको खून की कमी नहीं होती है। नंबर 24, अगर आपके वजन कम करना है तो दही में काला नमक और काली मिर्च मिलाकर खानी चाहिए, यह आँखों के लिए भी बहुत अच्छी है और शरीर के लिए भी। नंबर 25, जिनका पेट साफ नहीं होता है उनको रात के वक्त अजवाइन खाकर सोना चाहिए और सुबह के वक्त पपीता खानी चाहिए। नंबर 26, जिन औरतों को खून की कमी उनको रोज़ाना सरसों के तेल से शरीर की मालिश करनी चाहिए और खजूर का सेवन करना चाहिए। नंबर 27, अगर बालों में रूसी हो गई है तो दही में नींबू मिलाकर लगाना चाहिए। नंबर 28, खड़े होकर खाना खाने से मन हमेशा शांत रहता है और जिससे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए खाना हमेशा बैठकर खाना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए यूजफुल वीडियो लाती रहूँगी। तो फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू जानकारी के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।